खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हमारे सामने जो खबर आई है ये प्यार को लेके है, बहुत ही बड़ी खबर। आपको भी जान के काफी ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो अगर दूसरे के बारे में भी सुने तो वो काफी ज्यादा अद्भुत लगता है। एक रशियन लड़की हरियाणा के लड़के से प्यार कर बैठी और सब चीजें ऐशो आराम सब चीजें छोड़ के उसके पास आई हुई है, और उसके पास आने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि आप भी जान के काफी ज्यादा भावुक हो जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। बोलते हैं कि जब हम प्यार करते हैं तब उस वक्त अगर दोनों तरफ से सच्चा प्यार हो तभी इस प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता है, और उसी के साथ साथ अब वो प्यार के बीच में काफी सारे सेक्रीफाइसेस भी होते रहते हैं। कभी कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता है, कभी कोई अपने जगह को छोड़ देता है, अपने दोस्तों को छोड़ देता है। ये प्यार का ऐसा ही फंडा होता है, ना इसमें सीमा होती है, ना इसमें एज की सीमा होती है, ना कुछ भी ऐसे सब चीजें जात पात ये वो सोची नहीं जाती है, बस प्यार तो बस प्यार हो ही जाता है। ऐसा ही एक प्यार का मामला हमारे सामने आया है, जहां पर एक रशियन करोड़पति लड़की को प्यार हो गया हरियाणा के किसान के बेटे के साथ जो 12वीं पास है। ये लोग ऑनलाइन वगैरह चैट किया करते थे, और ऑनलाइन चैट करते करते इनके बीच में कब प्यार हुआ इन लोगों को भी पता नहीं चला। आखिरकार ये जब प्यार बताने की बात थी तब उस दौरान ही वो लड़की ने बस अपने ऐशोआराम छोड़ के सीधा वो आ गई हरियाणा, और हरियाणा आके उस लड़के से मिली और उसके परिवार वालों से मिली। पहले उसके परिवार वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कोई भी चीज के लिए। आखिरकार जब वो लड़की अपने प्यार के लिए अड़ी रही कि मुझे इससे शादी करनी है, तो आखिरकार लड़के के माँ बाप को भी झुकना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ इस लड़की और लड़के की शादी कर दी। और बोला जाता है कि एक्चुअली में वो जो लड़की है उसके जो पिताजी हैं वो काफी ज्यादा जाने माने हस्ती है, और वो काफी ज्यादा अपनी बेटी को प्यार भी करती है और करोड़पति भी है, ऐशो आराम बहुत ज्यादा था। पर अभी जिस घर में वो आ चुकी है उसमें फैसिलिटीज उसके लिए कुछ भी नहीं है, और वो काफी ज्यादा किसान फैमिली से बिलोंग करती हैं, और अभी देखना पड़ेगा क्योंकि उनकी तो शादी हो चुकी है, अभी कितने दिन तक ये प्यार चल सकता है। और वो ही प्यार चलता है जो सच्चा होता है, और ये प्यार जहां तक लग रहा है वो तो यही बताया जा रहा है कि ये प्यार एकदम सच्चा नजर आ रहा है। और हम आशा करते हैं कि इन दोनों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, और ऐसे ही सब लोग भी प्यार करें और प्यार करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें, जैसे कि शायद ये दोनों भी एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और कल को इनके माँ बाप भी और भी मान जाएंगे और जिंदगी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। आई होप गाइज आप लोगों को हमारी तरफ से जानकारी काफी ज्यादा मजेदार लगी होगी। अगर हमारी तरफ से आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए कि आपकी आपकी जिंदगी में प्यार की क्या परिभाषा है, आप प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आप कभी प्यार कर चुके हैं, या आप सोच रहे हैं कि हाँ अभी मैं प्यार कर लूं, शायद अभी मेरी एज हो गई है या मैं शादी कर लूं, ऐसा कुछ है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।